पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। सलाम। अरे ये ऐसी है तुम चलो 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 ये इधर ले लो साहब इधर ये बीच में ये वाला रास्ता पकड़ो। रुको रुको मैं धक्का देता धक्का देता लो लो धस जाएगी। गाइस फाइनली हम कालू धबधबा के नियर आसपास में है और मेरे साथ है राकेश और सामने जो है दिखाता हूँ सचिन है और हम लोग काफी खतरों से खेलते हुए आगे आ रहे हैं और देखते काफी जबरदस्त ट्रैक है तो बाइक जैसे तैसे लेकर के हम लोग आए हैं देखते हैं। झूठ बोल रहा है। ये हम कालू वाटरफॉल के ऊपरी पॉइंट्स पे हैं और देख रहे हैं कि काफी विंडेज चल रहा है, पानी चल रहा है और ओके चल रही है और देख रहे हैं कितना जगह पे हम जा नहीं पा रहे हैं और मतलब मुझे लगता है कि दूसरों को भी ट्राई नहीं करना चाहिए जगह पे जाने की जबरदस्ती। तो ध्यान रखे मैं यहीं से रिटर्न जा रहा हूँ और एनीवे बहुत शानदार नज़ारा है और आप में से कोई भी बिना गाइड के यहाँ पे ना आए और कोशिश करें कि आप लोग नीचे से ही जो विलेजेस है वहीं से आना जाना करें, ऊपर ना आए क्योंकि ऊपर का जगह काफ़ी रिस्की है। और एनीवे बी केयरफुल, देख लो नज़ारा। Thank you.
तो हाय फ्रेंड्स, अभी हम थोड़े कुछ घंटे पहले ऊपर थे, अभी हम कालू के नीचे आ चुके हैं। और ये जो पीक मानसून में कैसा होता है, जो को अवॉइड करना चाहिए, काफ़ी डेंजरस है। और देख रहे हो कि मैं काफ़ी ऊपर में बैठा हुआ हूँ, तो इस तरह से कोई भी आदमी ट्राई ना करे ऊपर आने के लिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। एनीवे, ये जो काफ़ी स्लिपरी है, और इस जगह पे आने के लिए गुड ट्रैकिंग सूज या फिर ट्रैक लीडर से एडवाइस लेकर के अच्छा सूज पहन करके आए, नहीं तो यहाँ पे हादसे हो सकते हैं। तो हादसे को अवॉइड करने के लिए अच्छा सूज, जो 90% प्रोटेक्शन आपको सूज ही करता है। एनीवे, आप देख सकते हो ये नज़ारे, एंड बाय बाय। एंड आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये बढ़िया था गुरु।